दंगल में जिसको महारत हासिल है हमारे साथ लाठी बाबा है। उठा उठा कर पटकूंगा, जितने लोग आते हैं उतने लोगों को पटकते हैं भैया। ये कुछ कह नहीं सकता है क्योंकि दंगल में ये नहीं पता कि क्या उपहार मिल जाए, जनता बहुत मोहब्बत करती है। देखते हैं कि जो पहलवान होता है उसकी कान जरूर टूटी होती है, लेकिन लाठी बाबा का भी वही हाल है। थोड़ा सा दिखा दीजिए सर, ये दिखा दीजिए। दंगल में जिसको महारत हासिल है हमारे साथ लाठी बाबा है। पूरे देश में सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे चारों तरफ मिलियंस में इनके व्यूवर्स हैं। और हम जिस जगह पे खड़े हैं ये यूपी के कुशीनगर जिला है और नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र है। कहा जाता है कि जब भी कोई लड़ने आता है इनसे तो इनका दांव बड़ा हड़ा चलता है। आज हमारे स्क्रीन पे वीडियो चलता होगा, देखते होंगे कि इनके इनको थोड़ा बहुत आप पहचान तो रहे होंगे, लेकिन इनकी पहचान असली दंगल में होती है जब पटकते हैं उठाकर। तो लेकिन उससे भी बड़ी पहचान इनकी ये है कि माथे पर तिलक लगाते हैं और जो ये भगवा पहन कर आते हैं जोगी बाबा की तरह, ये इनका अद्भुत है। पहले भैया लाठी बाबा बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से। जी मैं बाबा लाठी पहलवान हिमाचल प्रदेश से हूँ जी। और आज मैं जिला कौन सा पड़ता है? जिला खुशीनगर। जिला खुशीनगर में पडरोना गांव के पास में दंगल में। यहाँ की जनता ने बहुत मान सम्मान दिया है, दंगल कमेटी ने, हमारे गुरुजी जिनके बदौलत मैं आया हूँ, सभी ने भरपूर सभी पहलवानों का मान सम्मान किया है जी। अच्छा एक बात बताइए कि ये ब्रेक कब से मिला, क्योंकि देख रहे हैं कि हम तो देखते हैं बहुत पहले से, मुझे उम्मीद नहीं था कि आपका एक दिन इंटरव्यू करूंगा, लेकिन आज लाखों लोग आपको, करोड़ों लोग देखते हैं, ये पहली बार ऐसे ब्रेक कब मिला कि आप सोशल मीडिया करे लोग हैं उस समय? ये 2015 की बात है, हरियाणा में हमारे गुरुजी है, उनका आश्रम चलता है माँ शक्ति आश्रम, हरियाणा में ये पड़ता है दादूपुर गांव में। तो वहाँ पर मैं आश्रम में रह रहा था, अखाड़े में पहलवानी करता था, तो उसके बगल में एक दंगल था, ये 2015 की बात है। तो हमें नहीं पता था कि वहाँ पे यूट्यूबर सोशल मीडिया भी आई हुई है जी। तो वहाँ से मेरा वीडियो वायरल होना शुरू हुआ है जी। वहाँ से वीडियो वायरल चालू हुआ जी। लेकिन आप ये दंगल कब से अखाड़े में उतरे? देखिए मेरे पिताजी पहलवानी करते थे, मेरी पुश्तानी पहलवानी आप कह सकते हो, मेरे पिताजी पहलवानी करते थे, जो मेरे चचेरे भाई है, मेरे जो जितने भी परिवार के साथी हैं सभी पहलवानी करते थे। तो आइडल जो है वो मेरे पिताजी है, जिनको देख के मैंने भी पहलवानी करने का सोचा। अच्छा एक और लोग जानना चाहते हैं कि किस किस देश में आप पहलवानी कर चुके हैं? वैसे तकरीबन मैं भूटान, बांग्लादेश और नेपाल में पहलवानी कर चुका हूँ। अच्छा कितने सारे अवार्ड जीत चुके होंगे, कितने रुपया कमा चुके होंगे? क्योंकि अब दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि लाठी बाबा का कोई चैनल भी है या बस वैसे ही कुश्ती में जितना इनाम पाते हैं, जितना जीतते हैं बस वही है? देखिए इनाम का तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि दंगल में ये नहीं पता कि क्या उपहार मिल जाए, जनता बहुत मोहब्बत करती है, जो दंगल कमेटी देती है उसके अलावा इतनी दर्शक हमको मोहब्बत, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कोई अंगूठी दे जाता है सोने की, जो जिसकी श्रद्धा होता है उस हिसाब से जनता भी बहुत हमें सम्मान करती है। तो मैं कह नहीं सकता कि कितना पैसा हमें दंगल में जाने पे मिल जाए। अच्छा जी, मतलब यहाँ क्या मतलब, अगर आपको बहुत कोने, पूरे देश के कोने कोने में लोग टीवी समाचार पे देखेंगे अब चलेगा तो, लेकिन बहुत लोग आपको बुलाना चाहते हैं उस दंगल में, तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे करें, आपसे बातें कैसे करें, आपको बुलाएं कैसे, क्या चार्जेस लगते हैं आपके क्या? वैसे तो तकरीबन देश भर के जितने पहलवान सभी के पास मेरा नंबर मिलेगा आपको, अधिकतर उत्तर प्रदेश की जितनी कमेटियाँ उन कमेटियों के पास भी मेरा नंबर मिलेगा जी। और हमारे बाबा केशव दास जी है अयोध्या हनुमानगढ़ी से जी, जिनको हमें बुलाना है या इच्छा हो तो बाबा केशव दास जी को याद कर सकते हो, वो अयोध्या में ही रहते हैं, हनुमानगढ़ी में रहते हैं और अखाड़ा चला रहे हैं अपने। अच्छा एक बार हम सोशल मीडिया पर देखे थे बाबा को लेकर जातिवाद थोड़ा बहुत हो गया था, हम एक वीडियो देखे थे, अब बाबा का जातिवाद ढूंढने लगा, यूपी और बिहार और भारत में जातिवाद का इस समीकरण बड़ा लंबा चलता है, लेकिन बाबा कौन जाति से हैं ये भी थोड़ा सवाल हमारा कड़वा रहेगा, हालांकि जाति पूछना इलीगल नहीं है लेकिन फिर भी दर्शकों के लिए पूछ लेता हूँ। देखिए मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, भारद्वाज मेरा गोत्र है
और मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं पहलवान हूँ जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ उस धर्म का पूरा प्रचार करता हूँ। अन्य इसके अलावा जितने भी हमारे देश में धर्म है सबकी इज्जत करता हूँ, तय दिल से मान सम्मान करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो। हाँ। ये हमारा कर्तव्य है। देखिए अपने धर्म का प्रचार करना भी हमारा फर्ज है और दूसरे धर्मों का इज्जत करना भी हमारा कर्तव्य है, ये हमारे संस्कारों में सिखाया गया है। हाँ। अब जाते जाते बस लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि अगर जो लोग नए कुश्ती में उतर रहे हैं, जो लोग दंगल में उतर रहे हैं, उन लोगों को क्या कितने दिन में लगता है कि वो आपके तरह हो जाएंगे सक्सेस, सोशल मीडिया पर हो चाहे और भी जो आप उठा उठा कर पटकते हैं, ऐसा लगता है कि सनी देओल का वो डायलॉग है, उठा उठा कर पटकूंगा, जितने लोग आते हैं उतने लोगों को पटकते हैं भैया, ये कैसे लोगों को सीख मिलेगा? बताना चाहूँगा, पहलवानी किसी की मोहताज नहीं है, ये बिजनेस की तरह नहीं है कि कल पिता ने संभाला और आज बेटा संभालेगा। पहलवानी वो चीज़ है जो करेगा उसको मिलेगी। तो मैं जितने भी नए पहलवान हैं उनसे कहना चाहता हूँ, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई ज़रूर करना, पढ़ाई के साथ साथ खेल कीजिए, आपको इस चीज़ अगर अच्छा खेल खेलोगे तो आपको बहुत जल्दी नौकरी भी मिलेगी, ये तो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। लेकिन कभी भटकिए मत, जो अपना एम बनाया, जो रास्ता बनाया, हमेशा उस पर चलिए, आपको रुकावटें बहुत मिलेगी कि हाँ मैं अभी पहलवानी किया, एक साल किया लेकिन कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ सभी देश की जनता को कि अपना जो रास्ता बनाया है, चाहे वो किसी भी खेल का हो, कोई भी खिलाड़ी हो, अपने रास्ते पे चलते रहिए, भटकिए मत, मंजिल एक ना एक दिन जरूर आपको सलाम करेगी। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि जो पहलवान होता है उसकी कान जरूर टूटी होती है, लेकिन लाठी बाबा का भी वही हाल है। थोड़ा सा दिखा दीजिए सर, ये दिखा दीजिए, ये कान कैसी इनकी भी टूटी हुई है। जो अच्छे, कहा जाता है कि जो अच्छे दंगल में उतर कर एकदम लड़ते हैं उनकी कान जरूर टूटी होती है, बाबा की भी वही हाल है। देखिए टीवी समाचार के दर्शकों के लिए बस जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं कहना चाहूँगा अपने देश भर की जनता को कि ऐसे ही सभी खिलाड़ियों के लिए दुआ कीजिए, आपका आशीर्वाद रहेगा तो एक दिन हम देश प्रदेश में भी अपना झंडा लहराएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लाठी बाबा का इंटरव्यू ले रहे थे, पूरे देश में सोशल मीडिया पर वायरल हैं और लाठी बाबा को कौन नहीं जानता है, और आज हम भी जना दिए अपने टीवी समाचार को, दर्शकों को, और इनसे हूबहू परिचय करवा दिए। लेकिन जो सवाल हम पूछे हैं ना साथियों, वो सवाल अब तक शायद बहुत कम लोग पूछे होंगे। देखिए टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है, टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, अदर सोशल साइट पर जाएं, वहां लिखा @TVSamachar और लिख के सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक ले लेते आप चल विदा, देखते रहिए टीवी समाचार, नमस्कार।